एंशियन रूटोल ये जो अभी एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलने की बात की जा रही थी ताकि प्रतापगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके इस पर क्या करेंगे आप ये बताइए अरे नहीं भैया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है प्रतापगढ़ वाले बहुत खुद ही बहुत तेज हैं नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के जिक्र करने वाले हैं जहाँ पर एक लड़की वेरोनिका सात समुंदर पार यानी रूस से जैसे भारत का संबंध रूस से रहा अमित संबंध रहा वैसा ही संबंध वेरोनिका और अमित सिंह की जोड़ी है इनका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वेरोनिका जी हमारे साथ हैं और अमित जी भी साथ हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप कहीं डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर जब जाते हैं तब आपका एक रिश्ता सोचते हैं कि कितना दूर आ गए हैं लेकिन जब एक बिटिया सास समुंदर पार करके एक भारतीय लड़के से शादी करती है जहाँ का कल्चर जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है रूस का कल्चर अलग और भारतीय कल्चर अलग उस कल्चर में कैसी रहती हैं बैरोनिका अमित जी से जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे रहा इनका प्रेम प्रसंग कहाँ से इनकी मुलाकात हुई क्योंकि मित्रों मैं आपसे साफ कह दूँ मैं हिंदी भाषी राज्य से आता हूँ और मेरी हिंदी अच्छी है मुझे इंग्लिश नहीं आती है इतना आता है हाउ आर यू आता है लेकिन हाउ आर यू के बाद अगर कोई कुछ पूछ लेता है तो हम कहते हैं ठीक है, है भैया आपन बतावा का हाल चाल बा यही अमित भैया होता है कि नहीं जी भाई बिल्कुल यही होता है मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है हाँ। और पहले तो मुझे भी इतनी आती थी हाउ आर अच्छा। यू इससे ज्यादा नहीं आती थी क्या नाम हुआ आपका व्हाट इज योर नेम वेयर आर यू फ्रॉम फ्रॉम आई एम राशा यम ना, ना 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 अब आप तो इंडियन हो गए हैं इंडियन नोर हाँ स... हा, 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 देखिये हाँ अब धीरे धीरे लेकिन जब इस भारतीय कल्चर में रहेंगी तब यहां का कल्चर धीरे धीरे सीख जाएंगी लेकिन क्या अटकलें होती हैं कहाँ से प्रेम प्रसंग की कहानी आप दोनों की लव स्टोरी कहाँ से शुरू होती है अमित भाई हमारी स्टोरी ऐसे ही आ, मैंने पहले ही बताया था कि ऑफिस के काम से शुरू हुई थी मैं फिलान्स करता था और ये भी मतलब मैं फिलहान ढूंढ रहा था और मुझे कोई सपोर्ट में चाहिए थे लोग तो जो साथ में काम कर सके तो मेरा एक फ्रेंड थे बाहर के थे तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया उन्होंने इनसे मिलवाया ये, इन ये भी थ्री डिज़ाइनिंग करती हैं और क्लॉथ डिज़ाइनिंग करती हैं तो थ्री में तो इनको कुछ नॉलेज थी तो उन्होंने इनसे बात कराई फिर हमारी बातें ऐसे धीरे धीरे शुरू मुलाकात कहाँ हुई पहली मुलाकात दिल, ये दिल्ली आई थी हम लोग फिर बट लेकिन मैं दिल्ली से बेंगलोर गया था हम हाँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे हम लोग पहले फर्स्ट टाइम अच्छा कैसे ट्रस्ट हुआ आप पे और आपको इन पे ट्रस्ट हुआ फिर कैसे घर वालों को आपने अपने मम्मी पापा को कैसे मनाया इनके घर पे कैसे आपने कन्वर्सेशन किया फिर कैसे एक दूसरे से वो बनाई जान पहचान ट्रस्ट मुझे बहुत मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे शादी शादी करनी थी बट पहले जो देखा जा रहा था घर में कि मेरा मेरा एक पहले रिश्ता होने वाला था शादी होने वाली थी जो हुई नहीं सक्सेस तो मम्मी पापा लोग ऑलरेडी मतलब वो टूट चुके थे थोड़े कि फिर फिर से मैंने उनको बोला कि मुझे यहाँ इनसे फिर देखे जा रहे थे बहुत सारे रिश्ते अच्छा। जो भी कोई कोई हाँ मेरी तरफ से ज़्यादातर ना हो रही थी क्योंकि मैं चाहता था कि किसी आ, मतलब कोई थोड़ी एजुकेटेड लड़की हो थोड़ो, जो मॉडर्न हो मतलब आ, जो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था क्योंकि जो मेरा वर्क कल्चर है और जहाँ से मैं हूँ तो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए ज़्यादातर रिजेक्ट हो रहे थे और कई सारे जो मुझे रिश्ते भी आए थे वो भी फिर रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे मतलब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया तो पापा लोग ज़्यादा परेशान थे घर वाले मम्मी मम्मी लोग पापा लोग तो फिर एक टाइम पे फिर मुझे कोई मिल नहीं था मैंने इनसे पूछ लिया था कि शादी करने के लिए तो ये भी सीरियस नहीं थी इन्होंने वो मजाक में ही लिया फिर एक दिन इनका मैसेज आता है कि ठीक है मैं इंडिया आ रही हूँ तुमसे मिलने अगर हम मिलते हैं अगर सब चीज़ें सही लगी तो हम शादी करते हैं तो ये फिर आए इंडिया हम लोग मिले दोनों को हम दूसरे पसंद आए फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इनसे शादी करें मम्मी को बताने के बाद क्या हुआ घर में जब वहीं से तो असली लड़ाई शुरू हुई फिर मम्मी को बताया फिर उन्होंने पहले मना किया पापा ने भी मना किया कि नहीं करनी है फिर पापा को दृश्य समझाया फिर मम्मी को भी मैंने बोला कि देखो अब मुझे वैसे भी कोई मिल रिश्ते आ नहीं रहे हैं और जो हो भी रहे हैं वो सब, मतलब वो ज़्यादातर तो कैंसिल हो रहे हैं तो फिर मुझे अब करनी है तो इनसे करनी है क्योंकि आ, क्योंकि ये अच्छी है मुझे मैंने आ, मैंने उनको बोला फिर आप आके मिलो अगर आपको नहीं पसंद आती तो फिर हम नहीं करेंगे तो मम, फिर से ये जो गई जब हम मिले पहली बार फिर ये फिर उसके दो तीन चार महीने बाद आई है आ, फिर मम्मी को भी मैंने दिल्ली में बुलाया इन्होंने इनको भी मैंने दिल्ली में बुलाया फिर मम्मी साथ में रही दस दिन तो मम्मी ने फिर हाँ बोला फिर हम हाँ लोग ने शादी की पहले तो मम्मी ने एडजस्ट कर लिया लेकिन अब कैसे करती हैं अमित भाई क्योंकि अब देखिए जब जीवन भर साथ आप दोनों को रहना है और साथ फेरा आप दोनों ने लिया और आपका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ये जो अजब गजब शादी थी अजब गजब शादी पेपर में अमर उजाला जो बड़े बड़े पेपर हैं उनमें भी ये निकली हुई और भारत टीवी पर भी ये पहला वीडियो जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फिर अमित भैया कैसे अब कैसे मम्मी वगैरह एडजस्ट करती हैं उस समय तो एडजस्ट हो गई आपकी बातों से सहमत भी हो गई आपके मम्मी पापा अब कैसे एडजस्ट करती हैं घर में शादी को कितने दिन हो गए आपकी शादी को बारह तारीख को शादी थी अब अच्छा। आज कैसे एडजस्ट कर रहे मम्मी एडजस्ट कोई नहीं कर रहा बट थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वो शारी में मम्मी की भी बात हो जाती है कि मम्मी कुछ कहती है काट निकली थोड़ी बहुत ये भी सीख रही है तो ये समझ जाती हैं और मैनेज हो जाते हैं अब आप इनको हिंदी सिखा देंगे और ये मम्मी को इंग्लिश सिखा देंगे हमको लगता है क्यों क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं भी इंग्लिश बोलने लगी होंगी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग का जो उन्हें बहुत सीखना है तो सीख जाएंगे बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हिंदी है हिंदी भाषी राज्य से आप भी हिंदी बोलते होंगे अब देख रहे हैं फ्लुएंटली आप भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये असर तो अब घर परिवार में आने वाली जनरेशन पर भी पड़ेगा और मम्मी पापा भी पर भी पड़ेगा क्यों क्या लगता है नहीं मम्मी पापा पे नहीं है ये जरूर हिंदी सीख जाएंगे बट मम्मी पापा को सीखने के लिए क्योंकि उनकी एज हो चुकी है वो लोग इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है तो ये जरूर हिंदी सीख जाएंगे बहुत जल्दी और शायद तीन चार छः महीनों में अब कुछ भाभी जी से बात कर लेते हैं हम जो कहेंगे आप उसी का इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि द्विभाषी है लोग हैं आज हमारा द्विभाषी हमारे भाई हैं इनको दो भाषाओं का ज्ञान है हिंदी और इंग्लिश का भाभी की वजह से ये मैं आपको साफ तौर कह क्यों भैया पहले तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती नहीं रही होगी आपको ज़्यादा कंपनी में थोड़ा बहुत चल जाता रहा होगा हाँ हाँ जरूर। लेकिन अब तो भैया इंग्लिश तो मस्ट हो गई इनके लिए कंपलसरी हो चुकी है हिंदी से ज्यादा जब तक भाभी पूरी तरह से हिंदी नहीं सीख लेती हैं तो चलिए ये नेम नेम एंड इगर शादी के पहले कैसे कंप्रोमाइज़ किया मम्मी पापा को कैसे मनाया और आप पर ट्रस्ट कैसे आया uh, Your parents trust on me and how they allow you go to India and to marry me? Um, because they trust in my choice. <laughs> mm -hmm. And when they uh, came here, they uh, see how okay. he is kind. <laughs> uh, how he is kind, how he is try uh, to help and everything. And they also faced a problem because my uh, relatives do, uh, doesn't speak English and he doesn't speak russian, so they try to manage it too. bharatiya culture make a different, or russian culture make a different. russia, the hmm. he is asking that, what is the difference in culture between russia and india? Hmm. Uh, it's more, uh, but russian culture and indian culture more close than over uh, western cultures, hmm. uh, because uh, we have uh, uh, ancient roots, and also there are uh, the similar uh, words in uh, um, old Russian language and in Sanskrit. Something like Agni and uh, Agon. How do you like India? Uh, I'm enjoy in India. I feel uh, here like I'm at home. Pratapgarh. <laughs> what about Pratap? What about Pratapgarh? Uh, it's the same. <laughs> same. सेम क्या क्या हिंदी आती है हिंदी में क्या क्या शब्द सिखा दिया हाउ मच हाँ यू स्पीक हिंदी आई अंडरस्टैंड हिंदी बट आई नॉट स्पीक हाउ मच यू कैन स्पीक यू कैन हाउ ही इज हाँ आप कैसे हैं yes. आप कैसे हैं ये वाह भाई क्या बात है ये देखिए असर पड़ेगा साहब जब आप रहेंगे धीरे धीरे तो हिंदी आने ही लगेगी लेकिन ये बताइए जैसे आप कुछ हिंदी में बोलते हैं तो क्या उसको समझ जाती है थोड़ा बहुत जैसे कुछ भी जैसे होली दीपावली कुछ उत्सव के नाम लिए कुर्सी तो 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 ये थोड़े बहुत बेसिक वर्ड तो सीख जाती है गैस भी कर लेती है क्या बोला जा रहा है और ये जब ये गैस कर लेती हैं लगभग इनको लग जाता है अनुमान लगा लेती हैं कि क्या हो रहा है क्या बातें चल रही हैं जैसे हम पापा से मैं बात करता हूँ तो ये थोड़ा बहुत समझ जाती हैं कि किस विषय पर बात आ, हो रही है वो बातचर से समझ जाती हैं कि क्या चल रहा है हा, हा, हा। ये बताइए जो अभी एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलने की बात की जा रही थी ताकि प्रतापगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके इस पर क्या करेंगे आप ये बताइए अरे नहीं भैया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है प्रतापगढ़ वाले बहुत खुद ही बहुत तेज हैं और हमें खुद उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो ये हम क्यों दूसरे का भविष्य खराब करें पहले अपना ही सुधारे हाँ 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 चलिए ये देखिए सौ पढ़ा एक प्रताप बड़ा ये अमित भाई की और वैरो की जोड़ी है जो अब सोशल मीडिया पर लगातार धूम मचा रही है अब इनके लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम कैमरा मैन दरमैन के साथ मैं तुल तिवारी जय हिंद जय भारत